सर, हम बहुत जल्द नीलामी शुरू करने वाले हैं, आप प्लीज मिस्टर शब सरीन को बुलाइए। माय पुत्र, मैं बुलाती हूँ। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं बाप होकर तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। जी ताजी, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया ताजी। ऐसे अपने आप को छोटा नहीं करते, जो हो गया सो हो गया। देख पुत्र, जिंदगी ना कभी दुख देती है कभी सुख देती है, और जब जिंदगी दुख देती है ना तो उसका सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि रब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता पुत्र। इस बात की तसल्ली तो है कि किस्मत का पासा पलटते भी देर नहीं लगती। ना पुत्र, तेरा दिल सच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दाईजी, कुछ नहीं होगा, भी कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं मैं, सब कुछ। अरे एटलीस्ट हमारे सर पे छत थी, अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे हम? भविष्य तो दूर, में उसको दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा नहीं कहते पुत्र, हौसला रख। हर तरह से मैं फेल हो गया ताई जी, ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया, अब तो मैं अच्छा बाप भी नहीं हूं। ऐसा किसने कहा पुत्र, तुम बहुत अच्छा बाप है। हार गया मैं ताई जी, हार गया मैं, हार गया। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? हाँ भाई साहब, क्या आप लोग क्या कर रहे हो? रुको, हम इसे नीलामी के लिए ले जा रहे हैं। नीलामी के लिए? देखो ये मेरे बच्चे का पल्ला, आप रुक जाइए, आप नहीं ले जा सकते। साहब हमें बताया गया इस घर की हर चीज की नीलामी होगी। नहीं, और इसकी भी। मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, और छोड़ दीजिए इसे। ताई जी ने समझाइए ना, ये नहीं ले जा सकते। काम करते मेरे बच्चे, वो नीचे नीचे नीलामी शुरू होने वाली, तुझे बुला रहे पुत्र। अरे भाई, इस घर की बोली जो भी जीतेगा उसकी तो चांदी ही चांदी है। ये नीलामी में इस घर के लिए कम से कम जो भी बोली तय की गई है, इस घर के मुकाबले वो कुछ भी नहीं। हाँ भाई, एक से एक महंगी महंगी चीजें हैं, और सरीन परिवार कोई मामूली थोड़ी है। दुनिया भर के ऐशो आराम की चीज होगी इस घर में। वो तो है, लेकिन किस्मत ने भी देखो कैसे पलटी मारी, सीधा आसमान से एक साल में जमीन पे लापटका। इतने बड़े एम्पायर को
एक ही पल में धूल में मिला दिया। मोनी बहन जी, बदकिस्मती ने सब उजाड़ दिया। देख लो, हमारी बदकिस्मती का तमाशा हो रहा है। ये आलीशान मकान, सरीन हाउस, जो इस शहर की शान होती थी, आज उसकी नीलामी हमारी आंखों के सामने हो रही है। ताजी, संभालिए अपने आप को। नीलामी में आए हुए आप सभी लोगों से विनती है, प्लीज शांति रखिए और मेहरबानी करके आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम लोग नीलामी की शुरुआत करने जा रहे हैं। चीता में हमें नीलामी को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए, लीगल मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, कुछ भी, क्यों ना तुम इस घर को खरीद लो, हम शंकर माही को दे देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम्हें पता है यहाँ पर लाखों की, करोड़ों की बात हो रही, और अगर मैंने ये घर करोड़ों में खरीद भी ले तो तुम्हें क्या लगता है शब्द मुझे वो पैसे चुका पाएगा? तुम्हें पता है मार्केट में उसे कोई पैसे देने को तैयार नहीं। जी, तो उनके हालात इतने बुरे हैं, कहाँ जाएंगे वो? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभालूंगा, ठीक है? एक छोटा मोटा घर खरीद दूंगा जहां पर शब्दों में ही रह सकते हैं। एक बिजनेसमैन होने के नाते हारने वाले घोड़े पर मैं करोड़ों का दांव नहीं लगा सकता। मिस्टर शब्द सरीन से रिक्वेस्ट है कि वो पोडियम पर आ जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सरीन परिवार का घर शहर के जाने माने घरों में से एक है। इस घर का मालिक होना एक शान की बात है, रुतबे की बात है, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ फर्नीचर, एंटीक पीसेस, पेंटिंग्स, यहां तक कि इस घर की एक एक चीज की नीलामी होगी। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, यह सैफरन इंडियन आर्ट गैलरी के ऑक्शन में से खरीदी हुई सबसे महंगी से महंगी पेंटिंग है और इसकी कीमत है 5,00,000 रुपए। ऐसे तो कई सारी चीजें इस घर के इंटीरियर में जिनकी कीमत को अगर जोड़ा जाए तो इस पूरी जगह की कीमत होगी कम से कम 10,00,000,000 रुपए। इसलिए नीलामी की बोली को हमने 10,00,000,000 रुपए से शुरू की है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने दिमाग को दुरुस्त रखकर, दिल खोलकर बोली लगाइए। 10,01,00,000, 10.5 करोड़, 10.5 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़, क्या बात है? हाँ बोलिए अग्रवाल साहब। 11.5 करोड़, 11.5 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़ 1,
13 करोड़ 2, 13 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़। इस घर के लिए मेरी बोली 15 करोड़, 15 करोड़, ये हुई इस जगह की, इस घर की असली कीमत। है कोई और आगे बढ़ने वाला? 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 15 करोड़ 3, 15 करोड़ की बोली लगाकर यह आलिशान घर आदित्य धनराज जी के नाम जाता है। कंग्रेचुलेशंस आदित्य जी, अब ये प्रॉपर्टी आपकी है। नहीं मिस्टर शब, ये घर अब भी आपका ही है। मैं कुछ समझा नहीं। ये लीजिए इस घर की चाबी। आपने तो ये घर खरीद लिया है। आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? मिस्टर शाह, ये सब आपकी वाइफ ने आपके लिए किया है। भाई ने मुझसे कहा था कि परिवार के लिए मैं ये घर खरीद लूं, और उसके बाद वो अपनी सैलरी से धीरे धीरे मेरा लोन चुकाती रहेगी। ये घर आपका ही था और आपका ही रहेगा। मैंने सिर्फ आपको लोन के लिए वक्त दिया है जो बैंक वाले आपको नहीं दे पाए। ते बड़ी बड़ी खुशी की गल है पुत्र, तुम तो हमारे घर में, वो क्या कहते हैं, सरीन परिवार में मसीहा बन के आए हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा था ना शर, जब तक मैं पूरी कोशिश नहीं कर लेती हार नहीं मानूंगी, और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कांग्रेस माई, आपने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस मिस्टर शब, और हाँ एक बात जरूर कहूंगा, आप बहुत ही लकी हैं कि आपको माही जैसी वाइफ मिली है जो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। लगाइए बोली, बोलिए। 50 लाख, 50 लाख, 68 लाख, 68 लाख। अगर आप चाहते हैं कि ये नीलामी रुक जाए और आपका घर आपको वापस मिल जाए, तो आप अपनी बेटी माही का हाथ मेरे बेटे शब्द के लिए दे दें। मैं ये शादी करने को तैयार हूं।
पिछली बार अपने परिवार के लिए इसने मुझसे शादी की थी, इस बार इसने आपके लिए क्या किया है? मतलब ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं भाई कि तुमने अपने पिताजी का घर बचाने के लिए मुझसे शादी का सौदा किया था। इस बार घर बचाने के लिए इस आदमी के साथ कौन सा सौदा किया तुमने?